हाय, दिस इज मनीष शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा व्यू बुलिश है। 15,000 के लेवल के ऊपर एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने को मिल सकती है और एक बड़े टारगेट के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको बुलिश ऑप्शन स्ट्रेटेजी प्लान करना है, आपको फ्यूचर में बाय नहीं करना है। आज अगर आप देखो, गैप डाउन ओपनिंग हुआ, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ गैप डाउन, हमारा जो व्यू था 15,000 के ऊपर जाएगा वो तो ऑलरेडी निगेट हो गया। और उसके बाद 14,800 जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, लगातार मैंने 4-5 वीडियो में बताया है 14,800 बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल है। 14,800 के नीचे जैसे गया एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिला और 14,500 तक का भी लो बना दिया निफ्टी ने। और नीचे के लेवल से सेकेंड हाफ में हमें थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली, 14,700 के आसपास क्लोजिंग हुआ है। आज जो मूवमेंट हुआ वो प्योर एंड प्योर लॉकडाउन के फियर के वजह से हुआ, कोविड के न्यूज के वजह से हुआ, क्योंकि केसेस डेली बेसिस पे बढ़ते जा रहे हैं, वो फियर के कारण आज इतना बड़ा फॉल हुआ। अब हम लोग एनालिसिस करेंगे कल के सेशन में क्या क्या लेवल्स पॉसिबल है। अब अगर आप देखो, मार्केट एक रेंज में फंस चुका है और एक बहुत बड़ी रेंज में फंस चुका है। ऊपर में 15,000 इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, नीचे में 14,500 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ओवरऑल ये 500 पॉइंट की रेंज में फंस चुका है निफ्टी, और मुझे लगता है कल के सेशन में और वेनेसडे के सेशन में ये दो दिन हमें थोड़ा वॉलेटाइल सेशन देखने को मिल सकता है, साइडवेज सेशन देखने को मिल सकता है। तो कल आप कम क्वांटिटी में ट्रेड करना, क्वांटिटी रिड्यूस कर लो, क्योंकि आने वाले एक दो दिन के लिए मुझे लगता है ऐसा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे एग्रेसिवली सेलर सेल कर रहे हैं और बायर 14,500 के नीचे जाने नहीं दे रहे। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं एक रेंज में फंस चुका है मार्केट और आने वाले एक से दो दिन के लिए हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो आपको कम क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए और जो भी ट्रेड लेना प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेना, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो करना। अगर आप निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट देखो तो यहाँ पर अग्रेसिव सेलर है और गैप रेजिस्टेंस भी है, यहाँ पर अग्रेसिव सेलर है। ये लेवल एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा 14,800 का, और नीचे में 14,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। सो कल के सेशन में हमें एक वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और पॉसिबल है वेनेसडे के दिन भी हमें एक वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और फिर थर्सडे के दिन एक्सपायरी के दिन हमें एक ट्रेंडेड एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। अभी का जो चार्ट स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से यही लग रहा है कि आने वाले एक से दो दिन वॉलेटाइल सेशन हमें देखने को मिल सकता है। अगर आप बैंक निफ्टी देखो तो यहाँ पर इसने डबल बॉटम बनाया है 32,000 के आसपास, 32,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 32,200-32,300 ये काफी अच्छा एरिया है बाइंग के लिए। अगर इंट्राडे में कोई भी डिप मिलता है 32,200-32,300 के आसपास तो 100-150 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप एक बार बाइंग कर सकते हो, क्योंकि ये लेवल के आसपास काफी बाइंग हमें देखने को मिल रही है। और ऊपर में 33,500-34,000 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी भी अगर आप देखो 2,000 के पॉइंट के रेंज में फंस चुका है, 32,000 से लेके 34,000 ये 2,000 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी भी फंस चुका है, और आने वाले एक से दो दिन के लिए ये 2,000 पॉइंट के रेंज में हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, वॉलेटाइल सेशन हमें देखने को मिल सकता है। सो कल के दिन में आप कम क्वांटिटी में ट्रेड करना, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना। अगर आप बैंक निफ्टी कंपेयर करो निफ्टी से तो बैंक निफ्टी काफी ज्यादा वीक है और बैंक निफ्टी में काफी एग्रेसिव सेलिंग हमें देखने को मिली और बैंक निफ्टी सेकंड हाफ में उतना रिकवर भी नहीं हुआ है। अब ये जो लेवल है 33,400 के आसपास ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर ये बार बार सपोर्ट ले रहा था 33,400 के आसपास। अगर बैंक निफ्टी ऊपर भी जाता तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के चांसेस काफी ज्यादा है और नीचे में 32,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो ओवरऑल हमें एक वॉलेटाइल सेशन देखने को मिल सकता है, एक रेंज बाउंड सेशन देखने को मिल सकता है। अगर इन केस ये 32,000 भी तोड़ देता है तो एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके चांसेस अभी काफी कम लग रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा ट्रेंडेड मूव हमें आज के दिन में देखने को मिल चुका है। एक से दो दिन थोड़ा साइडवेज रहने के चांसेस ज्यादा है, वॉलेटाइल होने के चांसेस ज्यादा है। अगर कुछ भी लेवल्स में चेंजेस हुआ तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको ऑप्शंस बाइंग और ऑप्शंस सेलिंग के ट्रेड्स मिलते हैं, प्लस कैश लेवल्स के ट्रेड्स मिलते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अभी लॉकडाउन लगा है, केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि हम लॉकडाउन में आपका कोर्स लेना चाहते हैं लेकिन फीस बहुत ज्यादा, आप फीस थोड़ा कम करो। तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ कोर्सेज के फीस कम किए हैं, ये ऑब्जेक्टिव के साथ कम किए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये लॉकडाउन में डेरिवेटिव ओपन ट्रेड्स एनालिसिस सीख सके और ऑप्शन स्ट्रेटजी सीख सके और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप लोग ट्रेड कर सको। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो आप एल्गो का कोर्स ज्वाइन जरूर करना, इससे आपको डेफिनेटली काफी एक अच्छा एज मिलेगा और आप विदाउट इमोशंस ट्रेडिंग करना सीख सकोगे एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू।
तो ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, मोबाइल ऐप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कोर्सेज जरूर चेक करना, काफी रीजनेबल प्राइसेस किए मैंने और काफी वैल्यूबल कोर्स कंटेंट है, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है, डेरिवेटिव ओपन ट्रस्ट एनालिसिस आपको सीखने मिलता है, लाइव ओपन ट्रस्ट स्टॉक स्कैनर भी आपको मिलता है और ऑप्शन स्ट्रेटजीज भी आपको सीखने मिलता है। और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं अभी तक जिन्होंने कोर्सेज किए उनको काफी अच्छे से पता है कि बहुत सारी चीजें मैं अलग तरीके से करता हूँ, अलग तरीके से सिखाता हूँ, हमारे जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स है वो काफी डिफरेंट है। अगर आप RSI पूछो तो RSI में मैं काफी अलग तरीके से ट्रेड करता हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरे टेक्निकल क्लासेस कोर्स ज्वाइन किया है उनको काफी अच्छे से पता है और उनको ये कोर्स करने के बाद काफी अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है, कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे प्रॉफिट कमा रहे हैं। और हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी है जिन्होंने ऑलरेडी 2-3 जगह टेक्निकल क्लासेस कोर्स किया था फिर भी हमारा टेक्निकल क्लासेस कोर्स ज्वाइन किया और तब उनको समझ में आया कि बहुत सारे इंडिकेटर्स किस अलग तरीके से आपको यूज करना है, बहुत सारे पैटर्न्स में स्टॉप लॉसेस क्यों होता है, इसमें आपको क्या टेक्निक यूज करना होता है, स्मार्ट एंट्री कंसेप्ट सिखाते हैं, रिट्रेसमेंट कंसेप्ट हम लोग सिखाते हैं। तो काफी कुछ आपको अलग चीजें सीखने मिलती है। टेक्निकल एनालिसिस का हमारा कोर्स चालू हो रहा है, 10 अप्रैल से हिंदी लैंग्वेज बैच चालू हो रहा है, तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानना है तो आप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको डिटेल मिल जाएगा। और हमारा ऑप्शंस लेवल 2 प्रोग्राम भी स्टार्ट हो रहा है, एडवांस स्ट्रेटजीज इसमें कवर होती है, 6 स्ट्राइक प्राइस 8 स्ट्राइक प्राइस की स्ट्रेटजीज इसमें कवर होती है, प्लस ऑप्शंस राइटिंग टेक्निक्स में सिखाता हूँ और इसमें रिजल्ट बेस्ड ऑप्शन चेन एनालिसिस में मैं सिखाता हूँ। सो इसका भी बैच 10 अप्रैल से चालू हो रहा है। अगर किसी को टेक्निकल क्लासेस बैच ज्वाइन करना है या ऑप्शंस लेवल 2 प्रोग्राम ज्वाइन करना है और आपको एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटजी सीखना है, स्ट्राइक एडजस्टमेंट सीखना है, फायर फाइटिंग सीखना है, तो आप ये हमारा लेवल 2 प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, नंबर पे व्हाट्सएप करना तो आपको डिटेल मिल जाएगा। और अगर आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मेरे चैनल पे आपको डेली बेसिस पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियोस मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए, और टेलीग्राम चैनल में मैं लाइव ट्रेड्स भी देता हूँ। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।